मध्य प्रदेश में किसान इन दिनों खाद की कमी से जूझ रहे हैं। बोनी का वक्त सिर पर है, किसान पूरी तैयारी कर चुके हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी खाद उनको नसीब नहीं हो रही। भिंड में किसान खाद वितरण केंद्रों की लाइन में भटक रहा है, दिन दिन भर खड़ा रहता है और खाली हाथ घर लौट आता है। देखिए खाद की मारामारी और किसानों की लाचारी को लेकर हमारी ये खास रिपोर्ट। बोवनी का सीजन, किसान की लाचारी, भिंड में भी होने लगी खाद की मारामारी। लाइन में खड़ा किसान अब तो हिम्मत हारी। सोमवार को टोकन कटते हैं, सोमवार के बाद कटते ही नहीं है। खाद नहीं मिल रहा, परेशान हो रहा है लोग। बोवनी का टाइम निकला जा रहा है, जनता है, किसान है, सब परेशान है। ये है कि बाजार से चलो नाश्ता पानी अपन जैसे है तैसे व्यवस्था करना। हमें होगा 3 दिन पंची कटाए ले गए। कल्याण अरे पूरी है, एक आदमी है शाकल खतवा। चंबल अंचल के भिंड में किसान खाद के संकट से जूझ रहे हैं। बोवनी का वक्त बीता जा रहा है, खेत तैयार हैं, लेकिन किसान सब कुछ छोड़कर खाद की लाइन में लगा है। दिन रात खड़ा है, भूखा है, प्यासा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, धक्के खा रहा है और बस यही चाहता है कि कैसे भी खाद की बोरियां मिल जाएं। खाद और यूरिया के आस में महिलाएं भी चौका चूल्हा छोड़कर लाइन में लगी हुई हैं। लेकिन इतने के बाद भी निराशा हाथ लग रही है। गोदामों में स्टॉक खत्म हो गया है और अब टोकन यानी कि पर्ची कटना भी बंद हो गया है और इसकी सूचना भी चस्पा कर दी गई है। खाद की मारामारी को आप समझिए। गोदाम में रखा हुआ खाद का स्टॉक खत्म हो चुका है। प्राइवेट दुकानों पर भी खाद यूरिया कम हो गया है। सोसाइटी में किसानों की पर्चियां कटना बंद हो गई है। पहले कटी पर्चियों पर ही मिल रहा खाद, सिर्फ 2 बोरी डीएपी, 3 बोरी यूरिया मिल रहा है। जिले को डिमांड से आधा खाद ही मिला है। सोमवार को टोकन कटते हैं, सोमवार के बाद कटते ही नहीं है। लोग जाते और लौट के चले जाते अपने घर। किसान परेशान हो रहा है अत्यंत ज्यादा। और फिर बावनी की पूरी फसल है ना, लेट हो रही है, दिन प्रतिदिन लेट होती जा रही है। अब कम 10 बोरी की जरूरत है, उसको 4 दी जा रही है। क्या करे किसान बेचारा, खाद नहीं मिल रहा, परेशान हो रहा है लोग। बावनी का टाइम निकला जा रहा है, बोलो क्या करे, खेती बोना बंद कर दें। बहुत परेशान है, खाद मिल नहीं रहा है और जनता है, किसान है, सब परेशान है। 15 दिन से लोग लाइन में लग लग के घर लौट जाते हैं। सारे लोग जमीन भी मतलब अब बोने का टाइम है और समय बर्बाद हो रहा है। 8 दिन तो हो गए लोग आगल को परेशान होते होते। फिर हम चक्कर लगा लगा, फिर कल से हम यहीं पड़े हैं। खाना पानी का कहाँ से, ये है कि बाजार से चलो नाश्ता पानी अपने जैसे है तैसे व्यवस्था कर। 8-10 बोरी में खाद की जरूरत है। आज बोरे की आज प्यास नहीं, मर जाते नंबर कट जाते थे, ठाले में नहीं कोई देती लेने में थे। अब मर जाए क्या करें, हमें होगा 3 दिन पर पंची कटा ले गए। कल को गैप कटा दो 8-10 तारीख को, नहीं बोरे की 4 बजे की आई ईमानदारी तो कह रहे किस्म गंगा 4 बजे के मजा आएगा। कल्याण अरे पूरी है, एक आदमी है क्या कुल खतवा। अब जी पता नहीं है, मिल जाएगी लाइन में लग गया। खाद कम है, किसान परेशान है, अधिकारियों के अपने तर्क हैं और जल्द ही नई रैक आने का भरोसा भी किसानों को मिल रहा है। हर क्षेत्र में हमने नगद विक्रय केंद्रों की संख्या बढ़ाई है और उस पर क्लोज मॉनिटरिंग के लिए रेवेन्यू और एग्रीकल्चर की संयुक्त टीम का गठन किया गया है। तो केंद्र बढ़ाने में प्रशासनिक प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है, इसलिए हम बार बार अपील कर रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में मंगाया जा रहा है और जैसे आएगा उनको वितरण कराने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों का भरोसा अभी किसानों को राहत देने वाला नहीं है, क्योंकि किसान थक चुका है, परेशान है, चिंता सता रही है कि कैसे फसलों की बोवनी होगी, कैसे बेहतर उत्पादन होगा, क्योंकि अब वक्त बीता जा रहा है। अगर समय पर खाद नहीं मिलता है तो पूरी खेती ही चौपट हो जाएगी और खाद के संकट से जूझते किसानों के सामने रोटी का संकट भी खड़ा हो जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि अधिकारियों के द्वारा किसानों को कितने समय में खाद उपलब्ध कराई जा सकती है। इस मामले में अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जल्द से जल्द जिले में खाद की पूर्ति कर ली जाएगी। भिंड से विस्तार न्यूज के लिए एन के बटेले।